मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 40 और क्लास 9th इंग्लिश की वर्कशीट 40। स्टार्ट करने से पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है रेन ऑन द रूफ। पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया गया है, इसमें हम पोएम जो है वो पढ़ेंगे। क्या? रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ सुन के ही पता चलता है कि रेन मतलब बारिश, ऑन द रूफ रूफ पर मतलब छत पर, तो जो बारिश की बूंदें हैं, ठीक है, और बारिश हो रही है वो किस पे हो रही है? छत पे, ठीक है। तो उसकी जो बूंदें सुनाई देती हैं, उसकी रेन की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, उससे रिलेट करके इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो पोएट क्या कहते हैं, चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें बोला गया है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर ओवर ऑल द स्टारी स्पीयर्स एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। तो यहाँ पे इस पोएम में अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग को समझेंगे तो आपको पोएम बहुत इजी लगेगी, पर अगर आप वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझेंगे तो आपको ये पोएम डिफ़िकल्ट भी लगेगी। तो इसीलिए आपको वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग अच्छे से समझने हैं। ओके, सबसे पहले क्या बोला गया है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, ह्यूमिड का मतलब होता है फुल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मतलब जिसमें मॉइस्चर भरा हो, ठीक है, फुल ऑफ मॉइस्चर। शैडो मतलब परछाई, ठीक है। तो ह्यूमिड शैडो यूज़ किया गया है ब्लैक क्लाउड्स के लिए। किसके लिए? ब्लैक क्लाउड्स के लिए। शैडो मतलब जो है परछाई, तो काले बादल जो होते हैं परछाई की तरह लगते हैं ना, और ह्यूमिड क्या है? फुल ऑफ मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर से भरा हुआ। तो काले बादल कैसे होते हैं? फुल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि होवर, होवर का मतलब होता है एक तरीके से मंडराना, ठीक है, मूविंग अराउंड। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है कि जो ह्यूमिड शैडो होवर मतलब जो काले बादल है वो मंडरा रहे हैं ओवर ऑल द स्टारी स्पीयर्स। स्टारी स्पीयर्स का मतलब क्या होता है कि ऑल ओवर द स्टारी स्पीयर्स। स्टारी का मतलब यहाँ पे है फुल या लिट बाय स्टार्स, मतलब जो तारों से भरा हुआ हो, ठीक है। स्पीयर्स किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे? स्पीयर्स जो है, स्पीयर्स का यहाँ पे जो मीनिंग है वो है कि एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो स्पीयर्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं आसमान के लिए, ठीक है, कि ऑल ओवर द स्टारी स्पीयर्स मतलब तारों से भरा जो आसमान है उसमें क्या है? मंडरा रहे हैं क्या? काले बादल, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली का मतलब होता है कि सैडनेस, उदासी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एंड द मेलनकली डार्कनेस, मतलब जब काले बादल आप देखते हैं आसमान में छा जाते हैं तो कैसा होता है? बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, ठीक है। तो वो यही बता रहा है पोएट जो है, वो यही बताना चाह रहे हैं कि एक तरीके से जो है डार्कनेस, ठीक है, उदासी जो है ये डार्कनेस के रूप में क्या है जो है फैली हुई है, ठीक है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे जो है कैसे रेनी टीयर्स मतलब बारिश की बूंदों के रूप में क्या है, जैसे आंसू बहते हैं ना, वैसे ही वो कहते हैं कि वो धीरे धीरे रो रहे हैं जो बादल हैं, ठीक है, अपनी सैडनेस जो है उसे कम कर रहे हैं। तो वो कैसे सैडनेस कम कर रहे हैं? अपनी बूंदों के थ्रू। तो जो बारिश की बूंदों हैं उसे हमने किससे यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है, किससे? वीप्स इन रेनी टीयर्स, ठीक है, कि आंसू जो है उससे हम यहाँ पे बारिश की बूंदों को कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद है व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। अब यहाँ पे पोएट बता रहा है कि इसमें कितना ब्लिस है। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। ओके, सो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट अ ब्लिस मतलब ये कितनी खुशी की बात है टू प्रेस द पिलो, कि अपनी पिलो को लो और अच्छे से उसे प्रेस करो, मतलब अच्छे से पकड़ लो, ठीक है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड मतलब अपने जो कॉटेज चैम्बर है मतलब अपने कमरे में आप जो हैं अपने चैम्बर में बैठे हैं अपने बेड पर, और तकिए को अच्छे से पकड़ के, और आप बारिश की बूंदों को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं, उन्हें महसूस कर रहे हैं, ठीक है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, ठीक है, लाई लिसनिंग मतलब एक तरीके से जो है आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो आप जो है लिसनिंग टू द पैटर, पैटर का मतलब है यहाँ पे कि साउंड ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स, मतलब जो बारिश की बूंदे हैं ना उनकी जो आवाज़ होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो उसे हम पैटर बोलेंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि
बारिश की जो बूंदे हैं उनकी जो आवाज़ है, उनकी ड्रॉपलेट्स की आवाज़ें हैं उसकी बात हो रही है, कि लेटे हुए अपनी पिलो को पकड़ के अच्छे से जो है आप वहाँ पे क्या सुन रहे हैं, बारिश की बूंदों की आवाज़ सुन रहे हैं, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, वो जो धीरे धीरे जो बारिश हो रही है और उसकी बूंदे हैं, ठीक है, उसे ऑफ द सॉफ्ट साउंड ओवरहेड, ठीक है, जो बारिश हो रही है उसके जो सॉफ्ट आवाज़ है, धीरे धीरे बारिश हो रही है उसकी, धीरे धीरे बूंदें जो गिरी हैं उसकी बात करें, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरा है वो क्या है कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इन टू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपन द रूफ। अब यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ टिंकल ऑन द शिंगल्स, टिंकल का मतलब यहाँ पे होता है कि टू मेक अ रिंगिंग साउंड, जो आवाज़ निकालते हैं ना, ठीक है, मतलब एक तरीके से जो बारिश की बूंदें हैं जब वो गिरती हैं ज़मीन पर या फिर छत पर तो आवाज़ें निकालती हैं, उसकी बात हो रही है टिंकल, ठीक है, ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, जो छत होती है उस पर जो टाइल्स यूज़ होती है ना रेक्टेंगुलर शेप की, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, मतलब हर बूंद जो जो है छत की उन टाइल्स पे गिर रही है, ठीक है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, तो वो क्या है, दिल में एक तरीके से क्या है, ईको, ईको का मतलब होता है एक तरीके की आवाज़ होती है, साइंस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि ईको वो आवाज़ जो गूंजती है, तो यही बोल रहे हैं कि वो जो बूंदें गिर रही हैं उनकी जो आवाज़ें हैं वो दिल में क्या बना रही हैं, एक तरीके से एक ईको क्रिएट कर रही है, मतलब खुशी के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लहर जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, ठीक है, एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं ड्रीमी फैंसीज मतलब एक तरीके से इमेजिनेशन, जब आप बारिश को देख रहे होते हैं सोच रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपको बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, कि मतलब आप इमेजिनेशन करने लगते हैं, ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पर यही बोला गया है कि थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, एक तरीके से कि हज़ारों इमेजिनेशन करने लगते हैं आप, ठीक है, वही बताया गया। उसके बाद है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं कि उसकी बूंदें क्या कर रहे हैं, उसकी बूंदें फिर से क्या कर रही हैं, रिकलेक्शन कर रही हैं, किसकी, थाउजेंड रिकलेक्शंस एंड वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। अब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो फिर से जो है हज़ारों फिर से जो है यादें बुन रहे हैं, जो पुरानी यादें हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको हवा, जैसे कि बारिश की बूंदें होती हैं, ठीक है, और जब बारिश हो रही होती है तो क्या होता है कि हम पुरानी यादों को याद करने लगते हैं, ठीक है, और जो पुरानी सारी यादें होती हैं उन्हें याद करके ऐसा लगता है कि बुनने लग गए, मतलब आपने एक बात के बारे में सोचा और फिर उसी बात से दूसरी बात जो है उसके बारे में सोचने लगे, तो ऐसे करके क्या हुआ, एक से दूसरी कनेक्ट हो गया, दूसरी से तीसरी जो है जो जितनी भी आपकी यादें हैं तो वो सारी जो हैं आपको याद आने लगती हैं, ठीक है, उसके तो यहाँ पे यही बोला गया है कि वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, ठीक है, तो सभी यादों को एक तरीके से बुनने की यहाँ पे कोशिश जो है बारिश जो है उसकी बूंदें कर रही हैं, एंड एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रूफ अपन द सॉरी ऑफ द रेन अपन द रूफ। तो यहाँ पे क्या है कि फिर से वो बता रहा है कि जब जब मैं इन बूंदों को सुनता हूँ, ठीक है, पैटर यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि साउंड ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स, ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं पोएट, एज़ आई लिसन टू द पैटर, कि मैं जब जब जो है ये बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपन द रूफ, ठीक है, जो छत है रूफ पे जो आवाज़ें आती हैं किसकी, बूंदों की, ठीक है, रेन की जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी। उसके बाद बोलते हैं कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगोन। अगोन का मतलब यहाँ पे क्या है, एगो, ठीक है, कि अब वो बता रहे हैं कि उन्हें क्या याद आ रहा है, उन्हें याद आ रहा है उनकी मेमोरी जो उनकी मदर से रिलेटेड है, ठीक है, जो उनकी माँ से रिलेटेड है, वो सभी मेमोरीज उनको क्या हो रही हैं, एक तरीके से रिकॉल हो रही हैं, एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, ठीक है, जिसको उन्होंने मतलब बहुत समय पहले महसूस किया था कि माँ जो है वो क्या करती थी जब वो उनके साथ थे, तो
टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब यहाँ पे अगर ड्रीमर लिखा होता तो सिर्फ पोएट की बात होती, लेकिन यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स लिखा है तो ड्रीमर्स मतलब कि जैसे जो पोएट है वो अपनी बात बता रहे हैं और अपने सिबलिंग्स की जो कि हैं उनकी बात बता रहे हैं कि टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब जो बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है. तो जैसे उनकी मदर हैं उनके बहुत प्यारे थे, कौन, वो और जो उनके सिबलिंग्स हैं, ठीक है. जैसे वो अपनी यादों को शेयर कर रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं. उसके बाद है एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एरा, जो एरा होता है इसका मतलब होता है बिफोर. क्या होता है इसका मतलब, बिफोर मतलब पहले, ठीक है. तो आप कह सकते हैं कि एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, मतलब वो जब छोड़ जाती थी, ठीक है, जब बारिश होती है और आप जब हैं जैसे सो रहे होते हैं तो आपकी मदर क्या है कि कहती हैं कि थोड़ी देर सो लेने दो से, ठीक है, अच्छे खासा मौसम है. तो वैसे ही वो भी यहाँ पे जो है अपनी यादें जो हैं एक तरीके से शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके बाद वो कहते हैं कि ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. वो ये बोलते हैं कि फॉन्ड का मतलब होता है एक तरीके से जो है लव, केयर या काइंड बिहेवियर जो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉन्ड, ठीक है. तो वो कहते हैं कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो मुझे कैसे देखा करती थी प्यार से, ठीक है. एज आई लिस्ट टू रीफ्रेम, मैं उसे याद करने की एक तरीके से कोशिश कर रहा हूँ. विच इज़ प्लेड अपन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. फिर से वो बताते हैं कि पैटर ऑफ द रेन मतलब बारिश की बूंदों की आवाज़ जब जब वो सुन रहे हैं तो उन्हें क्या याद आ रहा है, उनको अपनी माँ की याद आ रही है. उसके अलावा बहुत सी ऐसी जो इमेजिनेशन और बहुत सारी पुरानी यादें हैं जो एक दूसरे से जुड़ के उन्हें याद आ रही हैं. आप भी कभी खाली बैठते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है सोचने लगते हैं उनके बारे में, थॉट्स जो हैं आपके माइंड में आते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर कैसा होता, ठीक है, अगर मैं ये करूँ तो फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में मैंने ऐसा क्यों किया था. तो इतनी सारी इमेजिनेशंस जो आती हैं ना, ठीक है, मतलब इतने सारे जो आपके थॉट्स होते हैं वो सब जब आप खाली बैठते हैं तो आप सोचते हैं. तो जब बारिश हो रही है, ठीक है, तो बता रहे हैं कि ये उनकी फीलिंग है जब वो अपने कहाँ पे हैं, अपने एक तरीके से बेडरूम में हैं और वहाँ पे बारिश की बूंदों की आवाज़ जो है उसे सुन रहे हैं. तो जो इस पोएम के राइटर हैं वो कौन है, कोट्स कहने, ठीक है. तो चलिए हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन. रीड द गिवन अबव पोयम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है. आपको जो है नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं इनके आंसर करने हैं, ठीक है, लेकिन पोयम को रीड करके. अगर आपने पोयम समझे तो आप इजीली कर लेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ रेन ऑन द रूफ पोयम. रेन ऑन द रूफ पोयम के पोएट कौन है, वो हैं कोट्स कहने, ठीक है, ये तो आप बता ही देंगे क्योंकि अभी मैंने आपको बताया. उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीमा ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट स्टैंजा का जो है राइमिंग स्कीमा क्या है. मैंने आपको बताया था कि जो पोयम होती है आपको उसके लास्ट वर्ड्स देखने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होता है कि स्कीमा क्या है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मान लीजिए डे है, ठीक है, डे नाइट, ठीक है. अब मैं अगर आपको इसमें बोलूं कि बताइए क्या ये वर्ड सेम है, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे नो मैम ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये ए मान लेते हैं इसे, क्योंकि ये सुनने में जो है ये सेकंड वाले वर्ड के जैसा नहीं लग रहा, और इसे बी मान लेते हैं, ठीक है. लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मान लीजिए कि दो वर्ड्स मैंने आपको दे दिया है कि जैसे कि एग्जाम्पल अगर हो केयर डेयर, तो अगर आप इसे सुनेंगे तो आप क्या देखेंगे कि केयर डेयर सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना ये, और सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, स्पेलिंग्स भी ऑलमोस्ट सेम हैं इनकी, ठीक है. अगर डी और सी को हम जो है साइड रखें और देखें ए आर ई जो है इसमें कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो गया, इनका जो है आप बोलेंगे कि ये भी जो केयर है वो भी ए मानेंगे और जो डेयर है इसे भी आप क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि केयर और डेयर जो है ये ए माने जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सुनने में एक जैसे हैं. तो हम राइमिंग स्कीमा जो है इसमें देखेंगे अगर फर्स्ट स्टैंजा में, तो वो होगा कि ए बी सी बी डी ई एफ ई, ठीक है. ये कैसे होगा कि ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ. अगर आप ध्यान से देखें तो पहला है होवर, होवर, ठीक है, इसको हमने ए मान लिया. फिर उसके बाद है स्पेयर्स, अब ये सुनने में एक जैसा नहीं लग रहा है इसलिए हमने इसको दूसरे को बी मान लिया. डार्कनेस, ठीक है, तो डार्कनेस अगर आप सुने तो ये भी बिल्कुल भी होवर और स्पेयर्स जैसा, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है ना जैसे कि सॉन्ग टाइप का, ठीक है, थोड़ा राइमिंग जैसा नहीं लग रहा, तो इसे भी हमने सी लिख दिया. अब यहाँ पे लिखा है फोर्थ टीयर्स, क्या लिखा है, टीयर्स. तो अगर आप देखें तो सुनने में
होवर स्पेयर डार्कनेस और टीयर्स में स्पेयर्स और टीयर्स सुनने में एक जैसा लग रहा है ना, टीयर्स एंड में एस जो है वो सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्पेयर है और स्पेयर्स है और टीयर्स है यहाँ पे आप जो है ये एक जैसे लग रहे हैं, इसीलिए आपने स्पेयर्स को बी बोला था, तो यहाँ पे आप टीयर्स को भी बी लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका कुछ हो गया ए बी सी बी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या है कि पिलो, पिलो जो है, ठीक है, पिलो इनमें से किसी के भी तरह नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। उसके बाद है बेड, बेड बेड भी सुनने में जो है थोड़ा अलग है, बाकी इनमें से किसी की तरह नहीं है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे, ठीक है। अब पैटर, पैटर फिर से अलग है, फिर से इनमें से किसी की भी तरह सुनने में नहीं लग रहा, इसे हम एफ मान लेंगे। अब है हेड, ओवर हेड, क्या है, ओवर हेड, तो ओवर हेड जो है वो बेड की तरह सुनने में लग रहा है, बेड ओवर हेड, तो डी एंड में आ रहा है एक जैसा, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, अब इन दोनों को हम ई मानेंगे, क्या मानेंगे, ई मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका ए बी सी बी डी ई एफ ई आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसे पैराग्राफ के थ्रू समझाया जिससे आपको समझ आ जाए। जो सी है इसमें है द पोएट इज डैश द पैटर ऑफ द रेन, ठीक है, जो पोएट है वो रेन के पैटर को मतलब आवाज़ जो है उसे क्या कर रहा है, सुन रहा है ना, लिसनिंग टू, ठीक है, पोएम में क्या बताया कि वो उस आवाज़ को सुन रहा है, ओके। जो डी है वो क्या है, द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड ऑफ डैश टू पोएट्स माइंड, तो यहाँ पे बोला है कि जो आवाज़ है किसकी, रेन की आवाज़ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, थाउजेंड ऑफ क्या चीज़ है जो पोएट के माइंड में लेके आ रहा है, मेमोरीज मतलब यादें, जैसे उसकी माँ की याद उसे आ गई, ठीक है, कि उनकी जो माँ थी उनके साथ वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, तो ये याद आ गया। और जो दूसरा इमेजिनेशन, वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लगे थे, ठीक है। तो अगर आप पोएम को ध्यान से देखेंगे तो दो जगह लिखा है थाउजेंड, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज एंड थाउजेंड ऑफ इमेजिनेशन जो है यहाँ पर हम उस स्टैंजा में मीनिंग ले रहे हैं सेंटेंस का, ठीक है। अगर आप स्टैंजा देखेंगे तो वहाँ पे मेमोरीज और इमेजिनेशन एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ आपको उसका मीनिंग जो है अगर आप उसे रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, तो इसीलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। उसके बाद है ई, ई में है द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज डैश, ठीक है, तो द साउंड ऑफ रेन जो रेन की आवाज़ है ऑल्सो रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज डैश, बारिश की बूंदों की आवाज़ उसे किसकी याद दिलाती है, उसकी मदर की याद दिलाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने किया ई, अब हम आ जाते हैं एफ पे, एफ में क्या बोला है, हिज मदर लुक्स एट हिज डैश, उसकी मदर उसे कैसे देखती थी, उसकी मदर उसे फॉन्ट, आपके जो स्टैंजा उसमें तो फॉन्ट था पर यहाँ पे बोला है यूज़ एन एडवर्ब, तो आपको एडवर्ब यूज़ करना है, एडवर्ब मतलब होता है कि वर्ड के आगे एलवाई लगा देना, ठीक है, तो फॉन्ट में आप एलवाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉन्डली, हिज मदर लुक्स एट हिज फॉन्डली, मतलब उसकी जो मदर है उसे बहुत प्यार से जो है, ठीक है, देखती थी, तो यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। जो जी है उसमें बोला है बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोएट इज़ रिफरिंग टू द स्लीपिंग इन द पोएम, ठीक है, तो यहाँ पे डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, जो पोएट है किसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है, वो रेफ़र कर रहा है पोएट एंड हिज सिबलिंग्स, किसको, पोएट और हिज सिबलिंग्स, ठीक है, मैंने बताया था ना डार्लिंग ड्रीमर्स, तो पोएट और जो उसके सिबलिंग हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है एच, हाउ डू यू फील व्हेन इट्स रेन्स, आप कैसा महसूस करते हैं जब बारिश होती है, हैप्पी महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, ठीक है, बहुत कम ही लोग होते हैं जिन्हें सैड महसूस होता होगा, ठीक है, या कुछ और महसूस होता होगा, लेकिन मोस्टली लोग को अच्छा लगता है कि बारिश होती है, क्या होता है उससे जो है मन में एक तरीके से जो खुशी है हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये सभी आंसर रिटर्न फॉर्मेट में भी शो कर देती हूँ कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है, ओके। तो जो आपके आंसर्स हैं इन्हें भी एक बार रिटर्न फॉर्मेट में मैं आपको शो कर देती हूँ। तो आपका जो पहला है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन, उसमें है कोट्स कैने, और जो बी है उसका थर्ड ऑप्शन है ए बी सी बी डी ई एफ ई, और जो सी है उसका फर्स्ट है लिसनिंग टू, जो डी है उसका है थर्ड ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, जो ई है उसका सेकेंड ऑप्शन है मदर, और जो एफ है उसका सेकेंड ऑप्शन है फॉन्डली, जी है इसका सेकेंड ऑप्शन है पोएट एंड हिज सिबलिंग्स,
सिबलिंग एंड एच जो है उसका फर्स्ट ऑप्शन है हैप्पी। ओके, उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझाई और बताई है, वो ये है कि वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिखवा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें वर्ड मीनिंग भी बता दिया करो, जैसे अगर कोई पोएम है, तो मैंने इसीलिए स्पेशली आपके लिए लिख दिया है। और ये इसलिए भी लिखने ज़रूरी हैं, आप समझ जाएंगे, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखवाए हैं। आप चाहें तो इन्हें सिर्फ समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ये आपको लिखने नहीं है अपनी कॉपी में, लेकिन हाँ समझने के लिए मैंने आपको करवाए हैं। तो ह्यूमिड का फुल ऑफ मॉइस्चर, स्टारी का है फुल लिट बाय स्टार्स, स्पीयर्स का है एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, ब्लिस का मीनिंग है हैप्पीनेस, पैटर का मीनिंग है साउंड ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स, और मेलनकली का मीनिंग है सैडनेस, टिंकल का मीनिंग है टू मेक अ रिंगिंग साउंड, और सिंगल्स का मीनिंग है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स, और लास्ट है आपका फॉन्ट काइंड एंड लविंग। ओके, सभी वर्ड्स के मैंने मीनिंग आपको लिख के इसलिए शो कर दिए जिससे आपकी हेल्प हो जाए, और आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। उसके अलावा हमारे सभी आंसर रिटर्न फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वहाँ से आप सभी आंसर जो है ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, मुदिता आईएएस वॉरियर। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।